दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी। आईटीआई बतैल में सुजुकी मोटर ने गुजरात प्लांट में नौकरी के लिए युवाओं को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन किया। बारिश और ज्यादा ठंड होने की वजह से लिखित परीक्षा में सिर्फ 10 युवाओं ने ही भाग लिया। इसमें 6 युवाओं का चयन किया गया है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आईटीआई प्रबंधन ने तैयारियां की थी। कोविड गाइडलाइन के चलते आईटीआई प्रबंधन ने साक्षात्कार के दौरान जरूरी हिदायतों का पालन भी किया। नमस्कार, मैं देवाशीष सुजुकी मोटर गुजरात से। आज हमारे यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट हुआ है गवर्नमेंट आईटीआई बतैल में। ये कंपनी सुजुकी मोटर गुजरात जो है गुजरात अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में तहसील महसाणा विलेज हिंसलपुर बेचराजी में है। ये कंपनी पूरी 200 एकड़ में है। इस कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसी के हिसाब से बच्चों को रखे जाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि जैसे कंपनी निकाल देती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पहले एक FTC टर्म होता है जो होता है 7 मंथ्स का। 7 मंथ्स में बच्चों का परफॉर्मेंस बिहेवियर काम कैसे करते हैं कैसे कैसा होता है सब कुछ देखा जाता है उसमें। उसके बाद इनको लीव दिया जाता है कम से कम 15 दिन का। 15 दिन के बाद फिर कॉल आती है इनके पास। जो बच्चे जिनका मतलब परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ अच्छा रहता है उनके पास कॉल आती है, जिनका अच्छा नहीं रहता उन्हें मना कर दिया जाता है। अब कंपनी के सैलरी वगैरह पर आते हैं तो इनकी जो CTC पैकेज जो है इनका 20,100 है और इनके पास इन हैंड आएगा 13,925। मतलब इन जो जितने पैसे कट रहे हैं 6,175 रुपया, इसमें इनका खाना पीना रहना सब कुछ है, इसमें फुल फैसिलिटी है। इसमें इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बस लगवाई जाएगी गवर्नमेंट आईटी बतैल में। यहाँ पे बस आएगी, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें डेट टाइम सब कुछ मिल जाएगा इन्हें। सर, आज के जो इंटरव्यू में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए यहाँ पे? यहाँ पे टोटल 10 कैंडिडेट्स आए थे, उसमें से 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। सुजुकी मोटर लिमिटेड गुजरात द्वारा इंटरव्यू का आयोजन आईटीआई बतैल में किया गया, जिसमें 6 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया और इनको 21,100 रुपये कुल सैलरी दी जाएगी और इनको रहने और कैंटीन फैसिलिटी, वर्दी, जूते आदि कंपनी के हिसाब से दिए जाएंगे। भांवला से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नीमो नामदेव और देशराज की रिपोर्ट।